देश और दुनिया के हर कोने में बैठा शख्स आज एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई की कहानी जानना चाहता है। और इंटरनेट पर हम जैसे ही एसडीएम ज्योति मौर्य टाइप करते हैं या फिर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य का नाम लिखकर टाइप करते हैं तो लगातार कई न्यूज आर्टिकल्स इंटरनेट पर निकलकर सामने आ जाते हैं और लगातार हर कोई अपडेट लेना चाहता है कि इस मामले में हो क्या रहा है। अब इस मामले में एक नया ऑडियो वायरल हुआ है और इस ऑडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से ज्योति मौर्य खुद शॉक है। जैसे ही उन्हें मालूम चला कि जो उनका कथित बॉयफ्रेंड मनीष दुबे है उसके और भी महिलाओं के साथ संबंध है, उसके बाद वो खुद ही शॉक हो गई। इस ऑडियो क्लिप में वो बातचीत कर रही है ज्योति मौर्य एक पूर्व डीजी से। उस डीजी के पास वो जांच पहुंची थी जिसमें ये शिकायत महिलाओं ने की थी कि उस जो उन ज्योति मौर्य का बॉयफ्रेंड है मनीष उसके और भी महिलाओं के साथ संबंध थे। इस बाबत डीजी साहब जांच कर रहे थे। तो बहरहाल न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है लेकिन न्यूज 18 जरूर आपको यह ऑडियो सुनाएगा जो लगातार वायरल है। जी सॉरी वो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा था, अब कनेक्टिविटी सही होगी। तो इनकी एक कंप्लेंट मुकुल गोयल के यहाँ भी पड़ी हुई है, तो वो तो 14 महीने पहले मतलब ये संकेत कुमारी अलग है और वो लड़की अलग है। हाँ, तीन लड़कियों का टोटल कंप्लेंट है ना। अच्छा एक तो जो आपने आर्टिकल पढ़ा ये तो पुरानी न्यूज है। जी 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 जी। हाँ, एक कोई है जो कि चीफ मिनिस्टर के पास लड़की रोती हुई गई, वो सामान्य कोई लड़की है। अच्छा ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट से नहीं है। जी जी जी। और तीसरा कम्प्लेन वो था तीसरा कम्प्लेन गोयल साहब के पास, जो गोयल साहब के पास डीजीपी के दी गई है। तो डीजीपी क्या गई, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हाँ वो ब्राह्मण है, वो मतलब जनरल में आती है या कैसे में आती है वो, ये नहीं मुझे पता है। मुझे सिर्फ ये पता है क्योंकि मैं रीजन नहीं बता सकता था ना उस समय कि मैं क्यों ये इंक्वायरी कर रहा। मैंने कहा था कि भाई इनके बारे में पता करना है, इनसे किसी लड़की की शादी होनी है, तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, राइट? एग्जैक्टली राइट। तो ये बोला था ना, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा सकता था, ब्राह्मण है कौन से कास्ट की। नहीं नहीं बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग जो है एकदम चक्कर खा जाएगा। बताइए ये सब तो पता है, ये ऐसा महिलाओं को ही क्यों करता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। महिलाओं को करता है बिकॉज कैरेक्टर जब खराब होता है तो लोग क्या करेगा, बताइए मुझे। सही कह रहे हैं आप, कैरेक्टर आपका सही हो तो आप नहीं करिएगा। मतलब ये देखिए, एक केस होता तो मैं मान लेता कि किसी को इन्होंने कुछ कहा और इनको कोई डिपार्टमेंट का लोग तंग किया, दो तीन समझ, ऐसे नहीं होता। चौथा मैं, किसी एक पर्टिकुलर, चौथी मैं खुद, तो आप खुद भी तो विटनेस हैं इसके। मैं तो खुद ही गवाह हूँ इस चीज की भाई। I'm shocked, तो मतलब क्या करिए भाई, तो दिस हैपेंस। इसकी तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगी। अब ये जो बहुत शातिर शाणा जो अपने आप को समझा है, ये देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी फेसबुक तो jeevansathi.com, ठीक, ये मेरा करेक्टर स्टिक बता रहा है, इसकी फेसबुक jeevansathi.com, इसके जितने कॉल्स लड़कियों से बात करता है सारी लड़कियों से बात, आदमी पुरुष किसी पुरुष से भी बात करेगा ना तो 10 से 15 मिनट से ऊपर कोई पुरुष से बात नहीं किया है लड़कियों के साथ। मतलब यार अब जो कंप्लेन वाली सुनकर तो मैं और मतलब हद है। ये तो मुकुल जी से तो इसमें वास्तव में मिलने वाला है कि सर आपके ऑलरेडी ये कंप्लेन के अगेंस्ट में पड़ी हुई है। बिल्कुल है ना, मुकुल जी तो बहुत अच्छे बहुत सज्जन हैं, जो मुकुल जी यहाँ पे आए हैं बेचारे, बहुत सज्जन इंसान है। हाँ बहुत सज्जन इंसान है वो, तो उनसे तो वास्तव में सज्जन है तभी डिपार्टमेंट की बदनामी ना हो, मीडिया में उछले, नहीं समझ रहे। लेकिन मुकुल जी तो अभी आए हैं ना, और कंप्लेन पड़ी आपके पास गया, कंप्लेन तो डीजी के पास ही रहेगा ना। तो पिछले वाले ने नहीं लिया तो अभी वाले ने क्यों नहीं एक्शन लिया। गॉट माय पॉइंट। और सब और सब ठीक है, इतना तो सुन के तो मैं तो हिली जा रही। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, और मैं आपको, हम लोग ना सामने अच्छे से फिर बात करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोस्त आ गए हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, बाय बाय।
एक बार फिर हम आपको अपडेट कर देते हैं और बता देते हैं कि देखिए न्यूज 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो क्लिप को अगर आप ध्यान से सुने तो ये जान जाएंगे कि खुद एसडीएम ज्योति मौर्य जो है वो खुद शॉक है जब उन्हें मालूम चला कि जो उनका कथित बॉयफ्रेंड जो इस पर आरोप लग रहा है मनीष दुबे, वो खुद वो और भी महिलाओं के साथ संबंध रखता था और इस बाबत जो है उसके खिलाफ शिकायत भी की गई थी, वो भी डिपार्टमेंट में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिये एक और ऑडियो इस पूरे मामले वायरल हुआ है और ये ऑडियो तब का बताया जा रहा है जब एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक जो अपने पति आलोक मौर्य हैं उनके साथ रहा करती थी और आलोक मौर्य को जैसे ही मालूम चला कि उनकी पत्नी का अफेयर किसी और शख्स से हो गया है और इस बाबत फिर आरोप ये है कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने बकायदे दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया, तो इस बाबत ये बातचीत हुई है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके जो पति हैं आलोक मौर्य के बीच बातचीत हुई है। न्यूज़ 18 इस ऑडियो को भी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से हमने पिछला ऑडियो आपको सुनाया था इस ऑडियो को भी हम आपको सुनाते हैं। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे इतना जान लो। मैं 22 तारीख को मनीष के साथ हुई थी, मेरे पति ने देख लिया उसका विरोध कर रहे हैं तो हम उनको तलाक दे रहे हैं, ये बात अच्छी है। तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। ये बताओ तुम क्या इतना बेशरम हो गया, आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की बहुत बच्चों के लिए कर सकता हूँ, जब आप बड़े पहले चुका लिया, चलो पहले आशीष के साथ चुका लिया वो चुका लिया तो अब क्या है, अब तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले, तुम होते कौन? मैं पति हूँ पति था पति बनेगा, मर जाओगे आप करने से, मर जाएंगे, मानवा दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना मरते दम तक, आप कभी बैठ के सोचो ना इसी नौकरी से जो पिए हो आज बने हो, ठीक है बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो, सहज मांगने से सहज कितना लेके आएगी तुम जानती हो, बिल्कुल 5,000 परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए गाड़ी के लिए, चलो हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना, करोड़ों रुपए लगा दो अभी नौकरी की कोई बात नहीं, आप ले जाकर दे दो, मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे इतना जान लो। अच्छा ठीक है, हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो हम तैयार हैं, हम तब भी कमा खा लेंगे, शादी जांच तो आप करवा रही हो, जांच हम तो करवाएंगे, प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो जो हमारे प्यार से नहीं जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, आप हमारी तो फिर देखो फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो किसान से, आप लड़ेंगी तो पीछे तो मैं चलूंगा ही, बस ठीक है आप सब सस्ती जा रही है, एफआईआर लिखवाइए, तलाक के लिए आप जानी, आप बताइए झगड़ा होने से, तो आपने मतलब आप एक बार यहाँ बैठ के सोचिए कि तलाक कितना बड़ा फैसला होता है, बात मेरे पापा गए भैया गए आपसे हाथ जोड़े, बजे आपको फोन कर रहा है, आप कई बार जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी कब मिलने आता है कब कहाँ जाता है सब पता है, लेकिन बस चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं, कितना लेके आएगी तुम जानती हो, अच्छा मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है वही करने लगेगा, कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले, तुम होते कौन, मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो बच्चों के लिए कर सकता हूँ, जब आप मर जाएंगे मानवा दीजिए, आप कभी बैठ के सोचना इसी नौकरी से जो किए हो, सुबह तो आप लिखी है तो चलो अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया था, तुम भी तो दूसरे नाम से सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, करो वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया ऐसे, हाँ वो तो मुझे पता ही था कि वही, और कोई खाई नहीं, सिर्फ बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है,
चोर बोलता नहीं है, उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था, बता दू कहाँ थे ये भी कहो, बता दू मुझे पता है कहाँ कहाँ गए थे आप लोग, कहाँ गए थे पता है, कौन आया था, वही आया था, कौन आया था, जो आया था जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे ज्योति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना उसी का, है एक फोन में है ना नाम सेव है ना, आप एक फोन वो फोन क्या होता है यार, आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, एसीएम के नाम से, हाँ मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मनीष मिश्रा, मनीष मिश्रा के नाम से एसीएम बना के रखी हो, तो आप किसका, मेरे पास नहीं है, बिल्कुल है, देख लो नहीं है मेरे पास नंबर, हक तो था ही जहाँ अगर आप बोला हूँ, हाँ नहीं है, जब उस दिन आप करो जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार, बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे तो कौन सा हक बचा, जेल भेज पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार, आप ही कहती थी ना सुबरा भाभी ये है वो है जेल कर दे रही है, दूसरे को कहती थी, अरे आप ही कहती थी, सब कहती थी, सब कहते थे, आप एडीएम एसीएम के नाम से सेव की हो, मनीष का नंबर बता रही हो कि एसीएम का फोन रात को आएगा, एसीएम साहब फोन कर रहे हैं, बोलना चाहिए था ना सामने वाला सही था तो, आप कहती हो ना सामने वाला, नहीं नहीं आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठाले, बोलना चाहिए ना उसको, नहीं नहीं तो उसने क्यों नहीं बोला, मान लो जानता था ना पति उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला, वो करी हुई सही है, ओहो उसको आवाज ही नहीं आई, एक मिनट फोन चला आवाज ही नहीं आई, आप कहती हो ना कि सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है, आप कई बार कही हो कि जब किसी कोई भी फोन डाले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला वो, जब मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला वो, ओहो अच्छा कौन होगा कौन नहीं होगा, यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं, 50 लोग फोन नहीं उठाते, फिर कोई किसी का फोन नहीं, कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता, 4 बार आया मैं साइलेंट करने गया, अब बताना चाहिए हम समझ गए उसका फोन जरूरी होगा नहीं, तो हमेशा बात करता है, हमेशा बात करता है, रात को, रात को फोन कर रहा हो बताने के लिए फोन कर रहा होगा, पहुंच गया हूँ और क्या, जो पता था आप सोच रहे मुझे नहीं पता, ज्योति जी मुझे सब पता है, कब मिलने आता है कब कहाँ जाता है सब पता है, लेकिन बस करेंगे ही यार, पता बिल्कुल करेंगे, पत्नी हो तो इतना तो है ही है, आपको आपको मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो, यही सब होता है, किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया, क्यों मेरा नंबर 10 से नहीं ब्लॉक किए थे, हाँ तो उस समय मैंने कैसे ब्लॉक कर दिया, हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो तो आप कहीं नहीं बात करेंगे, क्यों बात किए भाई, बात ही नहीं थी, देखिए यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे थे, ब्लॉक कर दोगे, अरे यार किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा, किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा, आप कहोगे आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात बच्चे आएंगे गुस्सा नहीं आएगी, आपको ब्लॉक कर देंगे, वही बात है, अच्छा मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है वही करने लगेगा, हमसे बता रही हूँ कलेक्ट्रेट, आप अपना नहीं जवाब नहीं दे रहे हो, हमसे बता रही कल कलेक्ट्रेट में है, फोन किए हम तो पूछ लेना, चलिए हमको न बताइए, जहाँ थी आपको भी पता है मुझे भी पता है, ज्योति जी 3 बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्टर नहीं थी, आप जहाँ थी आपको पता है, मुझे नहीं किसी से पूछना है, हाँ।